इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई हार्ट का इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, इस तरह से ये, ठीक है। तो हार्ट का ये आपको मालूम है कि दिस इज व्हाट, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, यहां पर ऐसे कर दे रहे हैं, दिस इज राइट ऑरिकल, ठीक है, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो अपर्चर है इसको क्या कहते हैं, इनके बीच में जो अपर्चर दिख रहा है, दिस अपर्चर इज नोन एज एवी अपर्चर। कौन सा अपर्चर कहेंगे, तो दिस अपर्चर इज नोन एज एवी अपर्चर, ठीक है। तो इसके बीच में अपर्चर देख रहे हैं एवी, ठीक है, तो एवी अपर्चर है और ये भी एवी है, लेकिन अंतर क्या है, दिस इज लेफ्ट एवी अपर्चर, दिस इज राइट एवी अपर्चर, ठीक है। अब इस एवी अपर्चर में आपको मालूम है कि इसमें कौन सा क्या है, इसमें तीन फ्लैप का, ये तीन फ्लैप का है, तो इसको हम कहते हैं डेट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वल्व। तीन फ्लैप का जो वल्व है इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वल्व है इसमें, ठीक है। लेकिन इनमें कितने हैं, दो फ्लैप का वल्व है और इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वल्व, और इसी को कहते हैं मिट्रल वल्व भी कहते हैं, तो दिस इज नोन एज मिट्रल वल्व, ठीक है। तो कह सकते हैं कि राइट एवी अपर्चर ये हुआ, ठीक है, राइट एवी अपर्चर इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वल्व, वेर एज लेफ्ट एवी अपर्चर इज गाइडेड बाई बाइक स्पीड और मिट्रल वन, ठीक है। तो इंटरनली अंदर होगा नहीं, ये मालूम है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्या कि ये वेंट्रिकल का वॉल है ना, तो वेंट्रिकल का वॉल जो होता है ना उसमें बहुत सारे इरेगुलर मस्कुलर रिजेस होते हैं, ठीक है। तो इरेगुलर ये लीजिए, बना दिए, ये देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारे इरेगुलर मस्कुलर रिजेस है, ये लीजिए वेंट्रिकल वॉल में ये इस तरह का, ठीक है। तो वेंट्रिकल के वॉल में बहुत सारे इरेगुलर मस्कुलर रीजेस होते हैं और ये जो इरेगुलर मस्कुलर रीजेस जो हैं इसको क्या कहते हैं, तो दिस इज नोन एज कॉलुमने कार्ने, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉलुमने और ट्रेबिक्यूले, कॉलुमने और ट्रेबिक्यूले कार्ने कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, कॉलुमने और ट्रेबिक्यूले कार्ने, सी ए आर एन ए, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉलुमने और ट्रेबिक्यूले कार्ने, सी ए आर एन ए कार्ने, ठीक है। तो ये हो गया, व्हाट इज कॉलुमने कार्ने और ट्रेबिक्यूले कार्ने, क्या है ये। तो आप कह सकते हैं व्हाट इज इट, कह सकते हैं इट इज अ इरेगुलर मस्कुलर रिजेस, उभार है ना, मस्कुलर मसल्स का उभार है, रिजेस ऑफ द किसका, इनर वॉल ऑफ कौन सा, वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल का जो इनर वॉल है उसमें इरेगुलर क्या है, इरेगुलर मस्कुलर रिजेस है, तो दे आर एक्चुअली इरेगुलर मस्कुलर रिजेस, ठीक है, किसका, इनर वॉल ऑफ वेंट्रिकल का, ठीक है। तो ये हो गया उसी तरह। अभी इसके टिप पर क्या देखते हैं, मस्कुलर रिजेस तो है, अब इसके टिप पर एट द टिप ऑफ कह सकते हैं ईच कॉलुमने कार्ने इज प्रेजेंट क्या, इस तरह का पैपलरी मसल्स है, टिप पर क्या है, मेनी पैपलरी मसल्स आर प्रेजेंट। तो ये देखिए टिप पर ये क्या है, पैपलरी मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो पैपलरी मसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हार्ट ऑफ ह्यूमन वगैरह कह सकते हैं हम लोग, क्या हार्ट में होता है, लेकिन ये बाहर नहीं है, कार्डियक मसल्स बाहर था ना, वो देखे थे उसके वॉल में, लेकिन वॉल का लेयर में, लेकिन यहां पर क्या है, पैपिलरी मसल अंदर है, ठीक है। तो ये कौन सा मसल हो गया, ये हो गया पैपिलरी मसल, तो दिस इज पैपिलरी मसल्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पैपिलरी मसल्स इज प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमन के हार्ट में पैपिलरी मसल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे क्या, कॉलुमने कार्ने और ट्रेबिकुले कार्ने हो गया, इसी के टिप पर एट द टिप ऑफ ईच कॉलुमने कार्ने और पैपिलरी और
कॉलमने कारने इज प्रेजेंट पैपलरी मसल्स। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पैपलरी मसल्स है ना, ये पैपलरी मसल्स और कह सकते हैं फ्लैप ऑफ बल्ब, यही हुआ ना फ्लैप ऑफ बल्ब, इन दोनों को जोड़ने वाले, देख रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने वाले एक धागा होता है और उस धागा को क्या कहते हैं, डैट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, डैट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज व्हाट, तो उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज कॉर्डे टेंडिने, क्या कहते हैं कॉर्डे टेंडिने। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ना, ये वाला, ये कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर, तो इसको हम क्या कहते हैं कॉर्डे टेंडिने, तो दिस इज नोन एज कॉर्डे, CHORDAE, कॉर्डे टेंडिने, TENDINAE। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको हम कॉर्डे टेंडिने, तो दिस इज नोन एज कॉर्डे टेंडिने। ठीक है, अब ये कॉर्डे टेंडिने क्या है देखते हैं, व्हाट इज कॉर्डे टेंडिने। ठीक है, तो कॉर्डे टेंडिने क्या है, तो ये कह सकते हैं क्या है, ये कोलाजन होता है, क्या का बना होता है कोलाजन, तो कोलाजन क्या गया, क्या करेगा स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, और ये इलास्टिक नहीं होता है, इनइलास्टिक होता है कॉर्ड। तो पहला तो हम पॉइंट इसको कहेंगे व्हाट इज इट, इट इज अ कोलाजिनस, तो पहला पॉइंट हो गया इट इज अ कोलाजिनस, कोलाजिनस इनइलास्टिक, इनइलास्टिक कॉर्ड्स, CHORDS कॉर्ड, तो ये धागा जैसा स्ट्रक्चर है और ये क्या है कोलाजिन के बने हैं और इनइलास्टिक होते हैं। ठीक है, दूसरा, दूसरा ये किसको कनेक्ट कर रहा है, तो इट कनेक्ट्स, इट कनेक्ट्स किसको, पैपलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स, पैपलरी मसल्स टू किसके, पैपलरी मसल्स टू फ्लैप ऑफ एवी बल्ब। ठीक है, फ्लैप ऑफ एवी बल्ब, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, फ्लैप ऑफ एवी बल्ब मतलब क्या हुआ, फ्लैप ऑफ राइट एवी बल्ब ट्राइकस्पिड बल्ब, फ्लैप ऑफ लेफ्ट एवी बल्ब मतलब कि फ्लैप ऑफ बाइकस्पिड बल्ब को जोड़ रहा है दोनों को। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, तो तीसरा पॉइंट अगर हम कहेंगे तो ये क्या आएगा, तो ये करता क्या है। ठीक है, सपोज करिए कि ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पुश, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जो भी ब्लड वेंट्रिकल में है, ठीक है, वो क्या होगा, वो ब्लड क्या हो गया, इस ट्राइकस्पिड बल्ब और बाइकस्पिड बल्ब से पुश कर सकता है ना, ये क्या होगा, ये बाहर ऐसे आ सकता है ना, ओरिकल में आ सकता है ना, तो आ सकता है, तो उसको आने को क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, तो ये धागा है ना, देख रहे हैं धागा पकड़ के रखा हुआ है, तो इस फ्लैप को ओरिकल में जाने से रोक रहा है। ठीक है, तो फ्लैप को रोक रहा है और ये फ्लैप खराब नहीं हो रहा है ना। ठीक है, बाई चांस ये नहीं रहता तो हो सकता है कि फ्लैप पुश कर जाए कहां पर, इनटू द ओरिकल। ठीक है, तो ये कह सकते हैं इट क्या करता है, इट प्रिवेंट द पुशिंग ऑफ, क्या कर रहा है ये, तो लिख दे रहे हैं इट प्रिवेंट्स द, इट प्रिवेंट्स द पुशिंग ऑफ, पुशिंग ऑफ, ठीक है, इट प्रिवेंट्स द पुशिंग ऑफ क्या, पुशिंग ऑफ फ्लैप ऑफ बल्ब्स ना, पुशिंग ऑफ फ्लैप ऑफ, फ्लैप्स ऑफ एवी बल्ब्स, एवी बल्ब्स इनटू द ओरिकल। ठीक है, ओरिकल में जाने से क्या कर रहा है ये, रोक रहा है ना, फ्लैप इनटू द ओरिकल, कब, व्हेन वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, व्हेन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या हो गया, अगर ये धागा नहीं रहता तो ये फ्लैप ऑफ एवी बल्ब बाहर निकल सकता था ओरिकल में, ब्लड भी निकल जाएगा, ये निकल गया तो ब्लड इधर से इधर जा सकता है ना, तो इसको क्या कर रहा है, ये रोक रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसको क्या कर रहा है, ये रोक रहा है, तो ये इसका काम है, तो ये याद रखना है क्या है, इट इज अ कोलाजिनस इनइलास्टिक थ्रेड है, कनेक्ट किसको कर रहा है, तो ये कनेक्ट कर रहा है पैपलरी मसल्स को विद द फ्लैप ऑफ एवी बल्ब को। ठीक है, और ये क्या प्रिवेंट कर रहा है, तो पुशिंग ऑफ फ्लैप्स ऑफ एवी बल्ब इनटू ओरिकल को कर रहा है। ठीक है, ये याद रखना है, तो ये पुश करने से रोक रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो देखेंगे, अब क्या होता है, तीन पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो पहला हम देखें कॉलमने कारने, दूसरा हमने देखा एट द टिप ऑफ कॉलमने कारने इज प्रेजेंट क्या, इट इज प्रेजेंट अ टफ टफ मसल नोन एज क्या, कॉर्डे सॉरी पैपलरी मसल, और फिर तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा, तीसरा पॉइंट हमने देखा कॉर्डे टेंडिने क्या है, व्हाट इज कॉर्डे
टेंडिने, ठीक है, तो कॉर्डेट टेंडिने का भी रोल है। नेक्स्ट जो देखेंगे अब हम, ठीक है, ये एक चीज यहां पर, ठीक है, यहां पर देख रहे हैं ये वॉल ओरिकल का है ना, तो ओरिकल के वॉल में भी क्या होता है, इस तरह देख रहे हैं ना, ओरिकल के वॉल में भी क्या होता है, एक मस्कुलर रिजेस है, देख रहे हैं ये ओरिकल है ना, तो ओरिकल के वॉल में भी मस्कुलर रिजेस है, लेकिन उतने थिक नहीं है जितने की वेंट्रिकल में है, तो इसको हम कहते हैं मस्क्यूली, मस्क्यूली पेक्टिनाटी, पेक्टिनाटी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मस्क्यूली, MUSCULI, मस्क्यूली पेक्टिनाटी, PECTINATI, पेक्टिनाटी, ठीक है। तो ये क्या है मस्क्यूली पेक्टिनाटी, तो कह सकते हैं ये भी क्या है, मस्कुलर रिजेस ऑफ इनर वॉल ऑफ वेंट्रिकल है ना, तो उसी तरह वहां पर क्या कहेंगे, मस्कुलर रिजेस ऑफ, ठीक है, मस्कुलर रिजेस ऑफ क्या, ऑफ यहां पर लिख दे रहे हैं, ये भी मस्कुलर रिजेस है, लेकिन कैसे हैं, ट्रांसवर्स, तो इट इज ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस, मस्कुलर रिजेस, ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस है, ऑफ किसका, ऑफ ऑफ द इनर वॉल ऑफ, वॉल ऑफ ओरिकल, AURICLE ओरिकल, तो ओरिकल में जो है ना उसका है, ठीक है, तो कह सकते हैं व्हाट इज इट, इट इज ऑल्सो अ मस्कुलर रिजेस बट ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस है ये, ठीक है, और ये किसका, इनर वॉल ऑफ ओरिकल, ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि ये हो गया मस्क्यूली, इसको कहते हैं मस्क्यूली पेक्टिनाटी, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या देखेंगे, एक चीज और याद रख सकते हैं आप, क्या, मॉडरेटर बैंड एक होता है, ठीक है, मॉडरेटर बैंड, तो ये मॉडरेटर बैंड कहां पर है, तो यहां देखिए, ये पैपलरी, ये देख रहे हैं पैपलरी मसल का इंटीरियर पार्ट है ना, ठीक है, बेस पर, तो यहां से बेस पर, यहां का बेस वाला जो है पोस्टीरियर है ना, पोस्टीरियर पार्ट में जो इसका देख रहे हैं पैपलरी मसल, इनको और ये दोनों को कनेक्ट करने वाला एक बैंड होता है, ठीक है, और इस बैंड को क्या कहते हैं, मॉडरेटर बैंड, तो इसको हम लिख दे रहे हैं, क्या है ये, दिस इज व्हाट, दिस इज मॉडरेटर बैंड, MODERATOR, मॉडरेटर बैंड इसको हम कहते हैं, ठीक है, तो ये मॉडरेटर बैंड क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस मॉडरेटर बैंड, तो ये मॉडरेटर बैंड एक्चुअली में कहां पर प्रेजेंट है, याद रखना है, इट इज प्रेजेंट इन कहां पर, इट इज प्रेजेंट इन कौन सा, तो राइट वेंट्रिकल में है, कहां पर है ये, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, तो ये कह सकते हैं क्या है, इट इज अ मस्कुलर बैंड ऑफ हार्ट टिश्यू, ठीक है, तो ये मस्कुलर बैंड है, तो यहां पर लिख देते हैं, इट इज अ मस्कुलर बैंड, मसल्स के बैंड है, बैंड ऑफ हार्ट टिश्यू, ठीक है, हार्ट टिश्यू, और ये कहां पर प्रेजेंट है, इट इज अ मस्कुलर बैंड ऑफ हार्ट टिश्यू, प्रेजेंट इन कहां पर, प्रेजेंट इन याद रखना है राइट वेंट्रिकल, कहां पर प्रेजेंट है, ये ध्यान देना है मेनली, इसका इंपॉर्टेंस आपको क्या, यहां पर ये प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन राइट वेंट्रिकल, ये इंपॉर्टेंट है, राइट वेंट्रिकल में होता है, ठीक है, ये अब ये मॉडरेटर बैंड अगर क्या कर रहा है, तो यहां पर देखिए आप जब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ते हैं ना, तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में क्या होता है, यहां पर देखते हैं ना कि बंडल ऑफिस होता है ना ये, तो इसको बंडल ऑफिस कंडक्टिंग सिस्टम में है, मतलब कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है, एवी बंडल्स होते हैं ना, एवी बंडल्स वगैरह जो यहां आ रहे बंडल ऑफिस वो आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, पैपलरी मसल्स तक कैसे पहुंचेगा, ये पैस पहुंचेगा इसी के थ्रू, टिप ऑफ पैपलरी मसल्स इसी के थ्रू आता है, ठीक है, तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं क्या कि पार्ट ऑफ एवी बंडल्स जो है, ठीक है, पार्ट ऑफ एवी बंडल्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ किसका, ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है, पासेस टू टिप ऑफ पैपलरी मसल वाया दिस मॉडरेटर बैंड, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बस ये याद रखना है इसमें कि राइट वेंट्रिकल में है, ठीक है, तो ये हो गया इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में इतना ही है, ठीक है, तो दो चीज तीन चार चीज याद रखना है, एक कॉलुमने कारने के बारे में, ठीक है, व्हाट इज कॉलुमने कारने बताएं, तो ये दूसरा इसके टिप पर क्या होता है पैपलरी मसल, अब ये पैपलरी मसल और बाइकस्पीड और टाइकस्पीड वाल्व को जो
दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉर्डेट एंडिने। अब ये कॉर्डेट एंडिने क्या होता है, कॉर्डेट एंडिने क्या है, कौन के ये कोलाजन का बना हुआ है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। और ये क्या होता है, इन इलास्टिक होते हैं, तो इन इलास्टिक क्यों, इलास्टिक अगर होता तो ये क्या हो गया, फिर पता चलता कि इलास्टिक है तो ये अंदर चला जाएगा ना ओरिकल में, तो इसलिए इन इलास्टिक है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, पुशिंग ऑफ, पुशिंग ऑफ दिस बोथ, क्या पुशिंग ऑफ दिस बोथ फ्लैप ऑफ एवी वल्व इनटू वेंट्रिकल, इनटू ओरिकल ड्यूरिंग वाइग्रस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रोक रहा है, ठीक है। तो अगर कह दे, अगर कह दे कि राइट कॉर्डेट एंडिने जो है ना, राइट कॉर्डेट एंडिने काम नहीं कर रहा है, डैमेज्ड हो गया है, तो क्या होगा, तो ये वाला डैमेज हो गया ना, तो ये वाला डैमेज हो गया। अगर ये डैमेज होगा तो क्या होगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो इम्प्योर ब्लड इसमें है ना वो कहां है, ये बाइकस्पिड बल्ब काम नहीं कर पाएगा ना, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसको प्रेशर करेगा तो क्या होगा, जो भी इम्प्योर ब्लड है वो पुश करके कहां चला जाएगा, राइट ओरिकल में चला जाएगा। लेकिन अगर कह देगा कि कौन सा लेफ्ट, लेफ्ट जो है ये वाला, यही ना लेफ्ट, लेफ्ट कॉर्डेट एंडिने खराब हो गया, तो क्या होगा, तो खराब हो गया तो क्या होगा, तो जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्योर ब्लड इसमें है ना, तो प्योर ब्लड विल कम इनटू ओरिकल, इधर जा सकता है ना। तो ये एक तरह से कह सकते हैं क्या कि ये इट प्रिवेंट्स द पुशिंग ऑफ, पुशिंग ऑफ फ्लैप ऑफ एवी बल्ब इनटू द ओरिकल, ये बचा रहा है, तो ये याद रखना है इस तरह, ठीक है। और ये अभी देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे, तो इसके इसमें क्या होता है, ये दोनों के बीच में, ये दोनों कौन सा इंटर ओरिकुलर सेप्टम है ना, इंटर एट्रियल सेप्टम पर यहां पर क्या होता है, यहां पर एक यहां पर डिप्रेशन मिलेगा, ठीक है, रेमिनेंट ऑफ उसको ओपनिंग होता है, बर्थ जब होता है ना उससे पहले क्या होता है, इसमें ओपनिंग होता है, उसको कहते हैं फोरामेन ओवेल, ठीक है, फोरामेन ओवेल। तो वो फोरामेन ओवेल जो है ना वो क्या होता है, जैसे ही बर्थ हुआ वो बंद हो जाता है, तो एक यहां पर डिप्रेशन दिखेगा, ठीक है, दैट डिप्रेशन इज टर्म्ड एज क्या, फोजा, फोजा ओवलिस कहेंगे, ठीक है, तो ये बाद में देखेंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज फोजा ओवलिस, यहां पर एक डिप्रेशन यहां पर होगा, ठीक है, तो इसको बाद में करेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है, तो हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर।